अभी हम ग्राउंड जीरो के बेतिया शहर यानी कि चंपारण की धरती पर उपस्थित हैं। ये वही चंपारण है जहां पे हमारे महात्मा गांधी जी यहां से चंपारण आंदोलन 1917 में शुरू किए थे और पूरे भारत में इसका बिगुल फूंक दिया था। यह चंपारण ऐसी धरती है जहां पे वाल्मीकि जी की तपोभूमि है और लगभग बिहार का सबसे बड़ा जिला है पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, जिसकी आबादी लगभग बिहार को 11% जनसंख्या देती है। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, चंपारण माने एयरपोर्ट पे लगभग 25/6/2021 तारीख को 90,000 युवाओं ने यहाँ से ट्वीट किया था कि चंपारण में एयरपोर्ट बनना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे युवा साथी भी जुड़े हुए हैं और हम उसी जगह पे खड़ा हैं जहाँ पे एयरपोर्ट बनने वाला था, जहाँ पे हमारे माननीय CM साहब आते हैं और हमेशा यहीं पे लैंड करते हैं और यहाँ से चंपारण का भ्रमण करते हैं, कहीं जाते हैं, और यहीं पे एयरपोर्ट बनने वाला था। आज तक कोई कार्रवाई और सुनवाई नहीं हुआ सरकार के द्वारा। ये वही जिला है जहाँ पे 9 विधायक देता है हमारे बिहार सरकार को और 2 MP देता है। हमारे माननीय सांसद साहब भी कितना बार बोले हैं, राज्यसभा सांसद सतीश चंद दुबे जी, कि चंपारण में एयरपोर्ट बनना चाहिए। एक पूर्वी चंपारण के राकेश पांडे जी हैं सर, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं लंदन के, वो भी बोले थे कि मोतिहारी में एयरपोर्ट बनना चाहिए, लेकिन ना ही आज तक पूर्वी चंपारण में एयरपोर्ट बना है और ना ही पश्चिमी चंपारण में एयरपोर्ट बना है। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, अरे यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन सकता है तो कम से कम डोमेस्टिक एयरपोर्ट तो जरूर बन सकता है, घरेलू उड़ान हो सकता है, हम बहुत सारी जो आपातकालीन परिस्थिति है उससे निपटारा मिल सकता है और यहाँ के युवा जो भी है उन लोगों को रोजगार मिल सकता है। हम लोग इमरजेंसी में कहीं किसी भी राज्य में काम करते हों या किसी देश में काम करते हों, अगर देश में किसी और कंट्री में काम करते हों तो हम लोग दिल्ली आएंगे और दिल्ली के बाद कम से कम सीधे अपनी चंपारण की धरती से दर्शन तो होगा, यहाँ पे एयरपोर्ट होगा। तो आइए, एक युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि यहाँ के बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क में। क्या नाम हुआ आपका? क्या आपको क्या लगता है बेतिया में और चंपारण की धरती पे, चाहे बेतिया हो मोतिहारी हो कहीं भी, मतलब एयरपोर्ट बनना चाहिए, बनना चाहिए ताकि युवाओं को आने के रोजगार मिल जाए। हमारे यंग जितने भी लीडर है उनसे भी हम अनुरोध करते हैं कि जो भी यहाँ यंग लीडर है चंपारण मांगे विश्वास है कि आगे बढ़ाए, इस मुहिम को आगे बढ़ाए ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। चंपारण के लगभग बहुत सारे युवा जो यहाँ पे हैं हमारे साथ मौजूद हैं, एक हमारे बड़े भैया भी हैं, वो हम उनके जरिए जानने का प्रयास करेंगे कि चंपारण में एयरपोर्ट बनना चाहिए, वो आप सभी को बताए भी, और युवाओं की बात आप सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री साहब, आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारी चंपारण की धरती पे वो कहीं ना कहीं आप एयरपोर्ट जरूर बनाएं। हम सभी चंपारण के युवाओं की ये मांग है और हमने आपसे पहले भी ये मांग किया है, हमारे बहुत सारे पत्रकार बंधु भी आपसे मांग किए हैं, हमारे बहुत सारे यहाँ के लोकप्रिय नेता हैं, समाज सेवी हैं, वो लोग भी आपसे मांग किए हैं कि चंपारण में एयरपोर्ट बनना चाहिए। क्या लगता है अभी आप लोगों को चंपारण में एयरपोर्ट बनना चाहिए? हम आपको बता दें कि चंपारण में एयरपोर्ट इसलिए बनना जरूरी है, इसका पहला प्रूफ ही कि चंपारण में अगर एयरपोर्ट बनता है तो हम कहीं भी किसी भी राज्य में रहते हैं या देश से कहीं बाहर किसी और कंट्री में रहते हैं तो हम लोग को अगर चंपारण की धरती पे आना है तो हम लोग, बल्कि जो हम लोग को 70 घंटा 80 घंटा 90 घंटा उतना समय का नुकसान करना पड़ता है। हम लोग रेलवे में जाते हैं, 2-3 दिन पहले तो टिकट मिलता नहीं है रेलवे के तरफ से, तत्काल निकालने के लिए जाते हैं, इतना ना लंबा लाइन रहता है कि टिकट मिलता है कभी नहीं मिलता है, हम लोग को बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर चंपारण में एयरपोर्ट रहता, हम लोग के साथ कोई इमरजेंसी हो जाए या कोई घटना हो जाए तो चंपारण में अगर एयरपोर्ट रहेगा तो हम जल्द से जल्द यानी 2-3 घंटा के 4 घंटा के अंदर में हम लोग चंपारण में आ सकते हैं, वो हम लोग इस देश के किसी भी कोना में रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, उनसे हम बात करेंगे। भैया, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क में। भैया, आपको क्या लगता है चंपारण में एयरपोर्ट बनना चाहिए? सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने हमारे चंपारण के लिए यहाँ पर, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, जो है चाहे यहाँ के जो चंपारण के लोग हैं ये बहुत अच्छा अपने मांग प्रस्तुत किया कि नहीं चंपारण में एयरपोर्ट बनना चाहिए, क्योंकि देखिए बिहार और बिहार के अंदर में जो पश्चिमी चंपारण या पूर्वी चंपारण दोनों मिला के एक चंपारण बनता है, यहाँ पे बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं
जो यहाँ से बाहर रह के नौकरी करते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन किसी इमरजेंसी के कारण कभी तत्कालीन अगर घर पे आना हो या किसी काम से आना हो तो उनको आने में ट्रेन क्या होता है कि ट्रेन की सुविधा कभी कभी क्या होती है कि हमको पहले से टिकट रिजर्व करवाना पड़ता है या बुकिंग करवाना पड़ता है, कभी कभी हम उसमें सफल नहीं हो पाते हैं आने में। तो अगर एयरपोर्ट का अगर साधन रहे, अगर एयरपोर्ट का साधन है तो हम उस माध्यम से जो भी काम हो चाहे जो भी इमरजेंसी हो उसको हम करने में सफल हो पाएंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा यहाँ के राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद श्री सुनील कुशवाहा जी और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि जो हम युवाओं की जो मांग है इसको इसको गौर करें और गौर करने के बाद उसको एक मुद्दा स्थापित किया जाए और उसके बाद से हमारे यहाँ जो मांगे हैं उसको पूरी की जाए। ये क्या नाम हुआ समीर कुमार, आपको क्या लगता है चंपारण में एयरपोर्ट बनना चाहिए? चंपारण एयरपोर्ट इसलिए बनना चाहिए ताकि सभी लोगों को मतलब रोजगार मिल सके और लोग लॉन्ग डिस्टेंस करने में कोई परेशानी ना हो, ताकि चाहे कोई भी इमरजेंसी हो तो। चलिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो नहीं बन सकता है लेकिन कम से कम डोमेस्टिक एयरपोर्ट तो बन सकता है ना, घरेलू उड़ान तो हो सकता है, जरूर बनना चाहिए ताकि चंपारण में एयरपोर्ट बनना चाहिए। जी, चंपारण में एयरपोर्ट बनेगा तो यातायात में साधन होगा, लोग एक जगह फ्लैश बार ले तो ठीक से लोग एयरपोर्ट बनने से यहाँ पे लोग इमरजेंसी पर टाइम पे समय पर नहीं पहुँच पाते क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट बनने से यहाँ पर इमरजेंसी पर लोग समय पर पहुँच सकते हैं। आपको क्या लगता है? एकदम जरूर से जरूर बनना चाहिए। हमारा चंपारण एक बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस भी है जहाँ पर बहुत सारे जगह घूमने के लिए देखा जाता है, जहाँ पर महात्मा गांधी हैं उनके भी नाम पर बहुत सारे प्लेस देखा जाता है। यहाँ से हमारे यहाँ काफ़ी दूर दूर से विदेश से भी लोग आते हैं घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी ट्रेवल का ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं है जिससे कि कोई भी आदमी आराम से आ जा सके। अगर यहीं पे एक एयरपोर्ट रहता तो जैसे कि कोई भी आदमी आ जा सकता था, फिर से यहाँ के लोगों को रोजगार का भी अवसर मिलता, इसलिए हम चाहेंगे कि यहाँ पे एयरपोर्ट जरूर से जरूर। आपसे बात करके भैया मेरे अंदर एक सवाल पैदा हो गया, क्या करिएगा कुछ ना कुछ सवाल आ ही जाता है। एक सवाल है कि अगर चंपारण में एयरपोर्ट बनता है तो यहाँ पे बहुत सारा टूरिस्ट स्थल भी है, जैसे कि लौरिया में नंदन है, आप जाए तो वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि जी की तपोभूमि है, आश्रम है, सीता माता का भी है वहाँ पे, मतलब बहुत सारा चंपारण में फेमस चीज है जो टूरिस्ट लोग देखने के लिए आते हैं। अगर चंपारण में एयरपोर्ट बन जाए तो वो लोग लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के कारण लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की साधन की कमी इतना ना ज्यादा हमारे चंपारण में कि कोई भी चाहे कभी नहीं आ पाता है घूमने के लिए। अगर विश्वास ना हो तो आप कभी न्यू ईयर 1 जनवरी को आप आइए मेरे नंदनगढ़ पर और देखिए यहाँ पे लोगों का, यहाँ पे चाइना जो हमारा चीन प्रतिनिधि देश है, लेकिन वहाँ से भी लोगों को यहाँ का जो टूरिस्ट प्लेस है उसको मतलब उत्सुक कर देता है। हमारे टूरिस्ट प्लेस है जब चीन प्रतिनिधि देशों वाले लोगों को जब हमारा इस जगह जो चंपारण धरती पे कुछ ऐसा जगह है जो आकर्षण कर ले रहा है, तो इससे जरूर पता चलता है कि यहाँ पे बहुत ऐसा चीज़ है जो टूरिस्टर प्लेस है, लेकिन उसको नज़रअंदाज उसको किया जा रहा है। अभी चंपारण के युवा साथी और बिहार के युवा साथी, आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी बात सरकार तक जाए और चंपारण के अंदर एयरपोर्ट बने। इसी के साथ मैं दिलीप कुमार पटेल, जय हिंद जय भारत।